हेलो दोस्तों, मैं हूं इरशाद फरहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी गोल्डन। आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि यदि आप लोगों के पैसे फोन पे या पेटीएम के वैलेट में हैं और आप चाहते हैं उनको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना, तो आज की वीडियो में हम आप लोगों को दो तरीका बताने वाले हैं कि आप किस तरीका से अपने फोन पे और पेटीएम के वैलेट के पैसे को आसानी से अपने बैंक अकाउंट में किस तरीका से ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको भी जानना है तो वीडियो को आपको आखिर तक जरूर देखना होगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और आपको बताता हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने फोन पे को ओपन कर लेते हैं यहाँ पर और अब आपको दिखा देते हैं अपने वैलेट में कि हमारे वैलेट में कितने पैसे हैं। हमने फोन पे वैलेट को ओपन किया और यहाँ पर हमारे पास 100 रुपीज है। पहला तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूं, इसमें आपका कुछ चार्ज लग सकता है और आपको थोड़ा टाइम भी खर्च करना पड़ेगा। ये पैसे आपके 48 घंटे में आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और उसके बाद मैं आपको सेकंड तरीका एक ऐसा बताने वाला हूं जिसमें आपका हैंड टू हैंड आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे और ना ही आपका चार्ज लगेगा। तो पहले तरीके पर हम चलते हैं। सबसे पहले आपको करना है गोल्ड पर क्लिक। गोल्ड पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है बाय गोल्ड। बाय गोल्ड पर आपको करना है क्लिक। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं जितने भी पैसे आपके वैलेट में हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। जैसे कि हमारे पास 100 रुपीज थे, यहाँ पर आपको साइड में दिखाई दे रहा है 0.0179 ग्राम। हम इतना ग्राम 100 रुपये का सोना खरीद सकते हैं यहाँ से और उसके बाद इसको 48 घंटे के बाद यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। उसके बाद जो आपके पैसे हैं वैलेट के वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। इसमें आपका थोड़ा चार्ज लग रहा है, लेकिन आज दूसरा तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। जैसे मैंने अभी आपको प्रॉमिस किया था, यदि आपके पास फोन पे या पेटीएम का बिजनेस अकाउंट है तो उसका एक क्यूआर कोड होता है। जिस फोन से मैं आप इस वीडियो को शूट कर रहा हूं उस फोन में मेरा बिजनेस अकाउंट फोन पे और पेटीएम का बना हुआ है। उसका क्यूआर कोड मैंने इस फोन में ले रखा जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। अब आपको जाना है जिसमें फोन से आपको ट्रांसफर करने हैं वैलेट से पैसे, जैसे मैं इसी फोन से करने वाला हूं जो आपके सामने है। आपको जाना है क्यूआर कोड पर और ये पैसे आपके फोन पे का जो बिजनेस अकाउंट है उसमें ही ट्रांसफर हो सकते हैं और या आपका पेटीएम का जो बिजनेस अकाउंट है उसमें ट्रांसफर हो सकते हैं। उसके क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है। जैसे हम क्यूआर कोड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्यूआर कोड आ गया है और यहाँ पर जैसे कि मेरा नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है फरहान गारमेंट्स, और यहाँ पर जितने भी आपके वैलेट में पैसे हैं वो यहाँ पर आपको इंटर कर देने हैं। जैसे कि हमारे पास 100 रुपीज हैं, यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं और यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जैसे ही यहाँ पर आपके पास टू ऑप्शन आ जाते हैं वैलेट में, जैसे हमारे 100 रुपीज हैं और नीचे आपका बैंक अकाउंट आ जाता है, तो हम वैलेट से करने वाले हैं। वैलेट जैसे हम पे पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें कोई भी पिन डालने की जरूरत नहीं होती है और ये यहाँ पर आसानी से ट्रांसफर हो गए हैं। इस तरीका से आप अपने फोन पे या पेटीएम के वैलेट के पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इसी तरह के वीडियोस आगे देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल देसी गोल्डन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे कि मैंने फरहान गारमेंट्स पर ये पैसे ट्रांसफर किए हैं, ये हमारी शॉप के कुछ फोटोज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखने के बाद अपने फोन पे या पेटीएम के वैलेट में जो भी पैसे हैं वो अपने बैंक अकाउंट में आसानी से ट्रांसफर कर लिए होंगे। दोस्तों, आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इसी तरह के वीडियोस आगे देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल देसी गोल्डन को सब्सक्राइब कर सकते हैं जो बिल्कुल फ्री है, जिसका फायदा यह होगा जब भी हम फ्यूचर में नया वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए और सीखते रहिए।